क्लास स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। कितने लोग ज्वाइन किए? 63, 62। यूजुअली कितने लोग ज्वाइन करते हैं इस क्लास में? 100 सर। गुड आफ्टरनून सर। यूट्यूब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, पता नहीं 63, 62। गुड आफ्टरनून सर। Call is now being recorded. Okay. So now we can start the class. और कई क्लासेज आप लोग के हो चुके हैं। AECC 1 के बारे में बैकग्राउंड मिल चुका होगा आप लोगों को। बेसिकली इट इज ए कंपल्सरी कोर्स। जब CBCS सिस्टम लागू हुआ था तो उस समय इस तरह के कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए और दो कोर्स जो था आपका वो कंपलसरी कोर्स था। एक था सेमेस्टर 1 में, दैट इज AECC 1, और सेमेस्टर 3 में AECC 2। और AECC 2 में जेंडर से
नंबर जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी एक कोर्स है, दैट इज स्किल इनहेंसिंग कोर्स एसीसी या एसी का, और फोर्थ सेमेस्टर में डीएससी। तो ये सीबीसी सिस्टम में लगता जरूर है एक्स्ट्रा बर्डन है, बट ये पढ़ने से फायदा है। और इस तरह के एक्स्ट्रा कोर्सेज अगर आप इन एडिशन टू योर मेन मास्टर्स कोर्स अगर ये आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है तो ये आपके लिए बेटर है, ठीक है, फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो टॉपिक असाइन किए गए हैं। अच्छा, ये जो भी एसीसी और एसीसी जो भी पेपर है इसमें ग्रेड सिस्टम तो है जरूर, बट इट इज इन क्वालिफाइंग नेचर, और मेन आपका जो ग्रेड है जिसको पहले हम लोग डिवीजन करते थे, तो ग्रेड में आप लोग को मिलेगा सर्टिफिकेट, तो उसमें मेन जो सीजीपीए है उसमें ये ऐड नहीं होता। बट क्वेश्चन यही है कि इसमें पास करना जरूरी है, अगर आप इस पेपर में पास नहीं कर पाते हैं तो आपका मेन रिजल्ट रुका रहेगा तब तक जब तक आप इसको फिर से क्लियर नहीं करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लस जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक को जानना चाहिए। और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग फेस किए और उस सिचुएशन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग को जाननी चाहिए, पहले भी जानते थे पर उतना सीरियसली हम लोग टेकअप नहीं करते, तो बहुत ही जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो नाउ वी स्टार्ट प्रेजेंटेशन। तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं, हमने ऊपर सैनिटेशन एंड हाइजीन लिखा है, बट मल्टीपल टॉपिक है। स्लाइड विजिबल है? यस सर। यस सर। सिलेबस आप लोग को मिल चुका होगा, और नहीं तो एक नजर हम लोग देख लें सिलेबस को। सो द सिलेबस इज इन क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ ये एक्चुअली जो राज होंगे से अप्रूव होके स्कैन होके आता है वही सिलेबस है, और बाद में नहीं होगा तो हम शेयर कर देंगे हार्ड जो नॉर्मल जो कॉपी है इसका। तो अभी यस सर शेयर कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे। तो अभी जस्ट एट ए ग्लांस दो पार्ट में, पूरा रीड नहीं करेंगे इसको, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 3 credit और एक प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव आया था स्वच्छ भारत अभियान, तो वो भी उसी साल यूजीसी का एक आया था कि इसको भी कोर्स में डालिए। हमने पहले बताया कि ये सारी पढ़ने से एडिशनल आपको जहां भी आप सर्टिफिकेट जाएंगे जॉब में जाएंगे तो एक तरह का क्रेडिट है कि आप यू हैव अर्न एडिशनल क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। हो सकता है इसी पर आपका इंटरव्यू शुरू हो जाए इसी पेपर पर। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी चूंकि ये रनिंग टॉपिक है तो इसको इसका नॉलेज होना चाहिए, प्लस पास तो करना ही है, सब पास कर जाते हैं। अगर थोड़े से सीरियसली अगर देखेंगे तो कुछ नहीं, तो डिफरेंट एस्पेक्ट है, कुछ एस्पेक्ट तो आपका पढ़ाई भी हो गया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 में है वो दैट इज सैनिटेशन हाइजीन, एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फिर डिजीज वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करेंगे। मतलब यूनिट 4 का सेकेंड पैराग्राफ जो है वो पूरा का पूरा कम्प्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं हम, तो माइक अपना ऑफ रखिए। द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सेकेंड है इफेक्ट ऑफ क्लीननेस, डिजीज में इन्फेक्शन, हमको पूछना है, कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, किसका माइक ऑन है? अपना माइक ऑफ कीजिए। डिजीजेस, नहीं क्लास डिस्टर्ब अगर इस तरह होगा तो फिर बेकार है, पूरा फ्लो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी अभी देने जा रहे हैं, इन्फेक्शन एंड वेक्टर बॉर्न, और जो इंटरेस्टेड नहीं हो काइंडली डिसोसिएट कर, कोई जरूरत नहीं रहने का क्लास में। डिजीजेस इन्फेक्शन एंड वेक्टर बॉर्न, एंड नेक्स्ट है आइडिया ऑफ डिजीजेस थ्रू बॉडी, और अभी डिजीज की महामारी में हम लोग हैं, डिजीज की दुनिया में अभी हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं।
तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसर्न आप लोग का है, सबको जानना चाहिए कोरोना वायरस जो हम लोग फेस किए और जिसके चलते आप अपने घर में बैठ के अभी क्लास ले, और नहीं तो ये क्लास विलर्स इन हॉल में होता था और हम लोग फिजिकली पढ़ाते थे, ठीक है? तो उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया लेना चाहिए। सो डिजीजेस थ्रू बॉडी एंड अदर फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीटा, हो सकता है इसमें बहुत सारी जानकारी आपको पहले से भी होगी, बट अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना है, ठीक है? तो डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर वन पार्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें सारे स्टूडेंट सोशल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह के जो स्टूडेंट है, ठीक है? तो एज ए कंसेप्ट पता हो लोगों को, खासकर सोशियोलॉजी, व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर यूज्ड। हम लोग सब अभी जैसे कोरोना काल में भी हम लोग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या और भी बहुत सारे हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तरह तरह के हेल्प आप टीवी में भी देख रहे होंगे, नहीं? जो कि मास माइग्रेशन जब हो रहा था उसमें भी लोग हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल है। सो इट इज कॉमन ओवर यूज बट लीस्ट अंडरस्टूड। अब इसके बारे में बहुत लोग समझते नहीं, व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? अभी हम लोग समझ में आने लगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ड्यू टू दिस पेंडेमिक, और कभी सीरियस इस पर अटेम्प्ट नहीं लिया गया। किसी का कहना है, ये साइंटिस्ट का मतलब जो सोशल साइंटिस्ट या जो भी है जिनका है, उनका नाम हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, द टर्म कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अभी जनरली टर्मोलॉजी डेफिनेशन ये जरूर याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, द टर्म कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल इन असेसिंग देयर नीड एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी टू मीट दोज नीड्स। लोकल स्तर पर कम्युनिटी, मोहल्ले के स्तर पर, अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट ग्रुप है, उस स्तर पर अगर कोई वर्क कर रहे हैं, इस तरह के और भी बहुत छोटी छोटी चीजें क्लीन जैसे हम लोग करते हैं, क्लीननेस या और भी कुछ सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, दैट इज दैट फॉल अंडर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कम्युनिटी? फैक्टर्स सच एज कल्चर, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो, पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड सोशल पॉलिटिकल अदर थिंग्स अल्टीमेटली इंफ्लुएंस द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन एपियर टू बी द कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड लोकलिटी बाउंड रादर देन यूनिवर्सली डिपेंडेंट। मोटिवेशन हम बार बार इसमें कहेंगे आपको, मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इफ यू मोटिवेट, जैसे अभी मास्क में, ठीक है, कोरोना से छुटकारा नहीं है, अभी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमारे पूरे टॉपिक में कई बार आपको कोरोना कोरोना आएगा, मजबूरी है, ठीक है? तो जैसे हम अब बता रहे हैं मोटिवेशन, यू जस्ट बिकॉज स्टूडेंट इज अ वेरी पावरफुल ग्रुप, और स्टूडेंट का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही पावर रखता है, क्योंकि नंबर बहुत है आपका और आप मोटिवेट कर भी सकते हैं, जो ग्रुप मोटिवेट कर सकते हैं। हम तो इंडिविजुअली भी कोशिश करते हैं, पहले भी करते थे, सेकंड वेव आने के पहले की मास्क जो नहीं पहनता था हम टोकते थे, रास्ते में भी अगर कोई होता है टोकते थे, हो सकता है कई बार हमसे झगड़ा भी करने लगा, ठीक है, आपको क्या मतलब? तो मतलब रखना है, क्योंकि आप जान रहे हैं मास्क पहनना है, नहीं पहनेंगे तो दूसरे को भी फैला रहे। सो मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट, समझाइए उनको एज ए ग्रुप। क्लीनिंग इज अनदर एस्पेक्ट, कोरोना तो आ गया है तो मोटिवेशन। सो whoever want to get involved in participatory development should demonstrate an awareness of their status as an outsider to the beneficiary community and the potential impact to their environment. Hum log sab cheez interlinked environments, environment abhi kaha jata hai corona pandemic ke bare mein, hum log jo padh rahe hain science background se hum hain, to diya hai ki jo climate change hai aur us climate change ke kaan pehle se bhi reported hai ki infectious disease zyada spread due to climate change, और क्लाइमेट चेंज किसके चलते हो रहा है, पर्टिकुलरली फॉर द ह्यूमन एक्टिविटी मिसयूज। हम लोग जो इनडिस्क्रिमिनेट हम लोग जो मिसयूज कर रहे हैं एनवायरमेंट का, उसी का ये कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं चाबुक की तरह ये था। ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं था, कोरोना आज से हजारों साल पहले भी कोरोना था इस यूनिवर्स में, बट आज क्यों कोरोना से हम लोग को डर लगने लगा, बिकॉज इट इज कन्फाइंड। माइक्रोबियल बिहेवियर हम लोग डिस्कस करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड है मेरा, तो हम लोग बिहेवियर देखते हैं, इट इज वायरसेज आर कन्फाइंड टू होस्ट, इट इज कन्फाइंड टू टिश्यू, जैसे ये एनिमल में होता था, बैट्स में होता, बट वेन इट मूव फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग सिचुएशन इज वेरी डेंजरस।
यही खतरनाक सिचुएशन, जैसे ही अपना होस्ट बदला तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी हम लोग यूज करते हैं साइंस अपने, अभी तो सब लोग सुनते होंगे कि म्यूटेंट, डेल्टा म्यूटेंट, डेल्टा प्लस म्यूटेंट, ठीक है, इंडिजिन हम लोग करते हैं म्यूटेशन, प्लस कंट्रीब्यूशन किसी भी कम्युनिटी का जो अपना एक जैसे ट्राइबल एरिया या बहुत सारा है उसको हम लोग जरूर ध्यान देंगे उस पर, उसके नॉलेज को, उसके स्किल को, उसके पोटेंशियल। अभी आप देखे होंगे कि आयुर्वेद काढ़ा ये वो बहुत सारे हर्बल्स पहले उतना जो नहीं यूज कर रहे हैं इस कोरोना काल में सबको यूज करवा, तो ये नॉलेज आज का नॉलेज नहीं, दैट इज नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरी के, बिकम ए गुड फैसिलिटेटर्स एंड कैटलिस्ट। हम बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट कैन बी ए गुड फैसिलिटेटर एंड कैटलिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड असिस्ट एंड स्टिमुलेट द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव एंड चैलेंज प्रैक्टिस विच हिंडर्स पीपल रिलीजिंग देयर। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे सड़क बन रही है, अब सड़क सरकार बना रही है, कहेंगे हमको क्या मतलब, बट अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें या ग्रुप में या जिस मोहल्ले में बन रहा है और जाके जरा सा वहां पर कहें कि भाई देखो अच्छे से बनाना, देखो क्वालिटी अच्छा बनाना, तो हम लोग को यूज करना, थोड़ा अलर्टनेस हो, ऐसा नहीं लगे कि सरकार बना रही है हमको क्या मतलब है, आपको यूज करना, तो देखेंगे कि क्वालिटी इंप्रूव कर जाता है। लगता है कि नहीं कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं इसको, इसलिए हम खराब सब स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। सो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हम पूरा रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो शेयर भी हो रहा है पूरा स्लाइड। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी हेल्प इन द रिप्रेशन एंड एक्सक्लूशन ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट। अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है तो सरकार का भी कोई भी पॉलिसी है उसका एक्सक्यूशन परफेक्ट होता है, ठीक है। मोबिलाइज करते हैं रिसोर्स फॉर इफेक्टिव प्लान इंप्लीमेंटेशन, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अगर हेल्प सेल्फ हेल्प हम लोग करते हैं, कुछ मदद भी करते हैं, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखेंगे बहुत सारी चीज फ्री में हो जाती है। बहुत सारी जगह कम्युनिटी ईटिंग होती है, लंगर चलता है, तो देखते हैं अच्छे सब लोग मतलब बहुत रिच लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रोटी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी पार्ट। उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, आप किसी को हायर करेंगे उसे मुफ्त में हो रहा है, सस्ता पड़ रहा है। प्लानिंग ऑल्सो एक्ट एज प्रेशर ग्रुप। अभी जो हम जिसकी बात कर रहे थे सड़क बन रही है, दैट वी कैन एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप बनने से फायदा क्या है कि क्वालिटी आपका मेंटेन। बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रूरल हेल्थ सर्विस। अब देखिए रूरल हेल्थ सर्विस आज बहुत चर्चा हो रही है, बट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कोरोना। आज कोरोना आया, कल कोई दूसरा वायरस आएगा, परसों तीसरा वायरस आएगा, ये रुकने वाला नहीं है। अरे कुछ कुछ सालों के बाद कोई पैंडेमिक आएगा इस तरह से, ठीक है। सो रूरल हेल्थ हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, टीवी में भी आप देखते होंगे रूरल हेल्थ में प्रॉब्लम है, गांव में अगर कोरोना फैल जाएगा तो कैसे कंट्रोल होगा। सो इसमें भी रूरल हेल्थ में भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फ्रेमवर्क है रूरल हेल्थ का, हेल्दी होराइजन आउटलुक, इट इंक्लूड्स principal participation by individual, community and a special group in determining priorities should be pursued as the basis for successful program and service and improve their health. So basically we deals with rural health. ज्यादातर हम लोग जो है rural background से belong करते हैं। अब ये एक example दे रहे हैं south के किसी शहर का है कि student क्या कर सकते हैं। आपको आप देखिए एक ग्रुप का हम फोटोग्राफ दिए हैं कि कुछ नहीं, अपने बॉडी पर पोस्टर लगाया, साफ सफाई रखो ध्यान, समाज का करो कल्याण, है कुछ इस तरह से। ऑल स्टूडेंट मेड पोस्टर फॉर कंपेन एंड दे वेयर वियरिंग अ पेपर ड्रेस, पेपर का ही है, ठीक है। ऑन स्लोगन फॉर मेक फेंक रहे हैं, लेकिन जब आप टोका टोकी करेंगे तो कल फेंकने के पर बिल्कुल अवेयर और घर घर जाके अवेयरनेस फैला रहे थे, बगल से गुजरेंगे फिर उसी के बगल से। पर हम लोग की आदत है जो कि आप भी जानते हैं बिहार में तो खासकर कॉमन है, देखिए इस तरह से कचरा फेंकता था और यहाँ जाकर कुछ सफाई किया और जब करने लगा तो देखा हमारे स्टूडेंट आके खुद साफ कर रहे हैं, तो कल होकर वहाँ फेंकना लोग बंद कर, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉमन साइट है, ये हमारे यहाँ भी नजर आता है, हमारे यहाँ पटना में भी नजर आता है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। It was not only a mission for cleaning, ये mission नहीं है, but also we try to give a message to all the students. उन सारे स्टूडेंट बच्चों का ये एक मैसेज था
ये मैसेज ही हम केवल नहीं दे रहे हैं, हम लोग पूरे देख रहे बता रहे हैं कि इफ वी आर द जनरेटर ऑफ वेस्ट, इफ वी आर द जनरेटर ऑफ वेस्ट दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स। जब हम वही गंदगी फैला रहे हैं तो साफ भी हम ही को करना होगा। बाहर में फॉरेन कंट्री में एक छोटा सा चीट भी फेंकने के पहले 5 बार हम लोग सोचते हैं कि कहीं फेंकेंगे और के फाइन कर देगा, अरेस्ट करके ले जाए। और यहाँ हम लोग धड़ल्ले से फेंकते एकदम डब्बा खाए पिए सब सड़क पर फेंकते, और वही हम बाहर जब विदेश जाते हैं तो वहां पर डर के मारे हम लोग कुछ भी फेंक नहीं पाते हैं सर, ठीक है। तो आपको खुद सफाई करनी। अब आइए अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया खत्म। अनदर एस्पेक्ट इज क्लीनिनेस। अब इसमें हम लोग कोई नई चीज नहीं, आप बोलेंगे क्या चीज, बट सफाई अभी बात चल रही है। हाथ हैंड हाथ को साफ करो, हाथ को साफ करो, बॉडी में कहीं भी टच करते हैं, कहीं भी दूसरी जगह टच करते हैं, क्लीन करो कोरोना वायरस को मारने के, क्योंकि सोप से उसका जो कोर प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। इट इज बोथ द स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डर्ट। क्लीननेस इज ऑफन अचीव थ्रू क्लीनिंग, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। अब क्लीननेस डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, आपका बॉडी क्लीन करें, होम क्लीन करें, इंस्टीट्यूशन क्लीन करें। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन में अभी नहीं आ पा रहे हैं, बट अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय आप इंस्टीट्यूशन में गुजारें। ऐसा नहीं घर में सफाई रखिए और इंस्टीट्यूशन में आके गंदगी फैलाई। पहला है होम क्लीनर। इफ यू डू नॉट क्लीन योर होम यू मे फॉल इल। सो हमने पहले बताया कि जनरल नॉलेज जरूरी है, ये टॉपिक जो है जनरल नॉलेज केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल क्लीननेस इज दस रिलेटेड टू हाइजीन एंड बिजनेस। इफ यू मेंटेन ए गुड हाइजीन यू कैन इज ऑन सेट। बीमारी नहीं है। सो क्लीननेस इज लिंक विद प्रॉपर हाइजीन एंड ऑल रिलीजियन, जितने भी धर्म है रिलीजियन है सब में, ऐसा नहीं कोई नई चीज है। उस जमाने में जब वो लिखा गया था धर्म ग्रंथ उसमें भी चर्चा है क्लीननेस। हम थोड़ा सा कोट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में बाइबल रिलेशन इन डेथ एंड एनिमल सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रिश्चियनिटी में है प्लेस a strong emphasis on hygiene. In Islam also, there are many, हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, many quotes in Quran that वजू करते हैं एक prayer के पहले clean करते हैं। Muslims are required to perform ablution in English में from every prayer. क्यों करते हैं? कभी कुछ सोचा होगा जिसने भी ये दिया होगा notion कि clean करके ही prayer करने के लिए करें, उसका certain reason होगा। And recommended to stay in the state of ablution at all times. A ritual bath, ghusl, is performed on Friday before the Friday prayer, Juma. Special attention is given. और हम लोग कहते हैं फेस्टिवल में क्लीनिंग कर, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन कि पूरे साल नहीं करते तो कम से कम ईद में या दिवाली में हम लोग सफाई करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे कचरे जो घर के बाहर हम लोग फेंकते हैं। तो कैसे लोग रिचुअल से और फेस्टिवल से लिंक कर दिया, पुराने जो भी थे लोग इंटेलेक्चुअल्स वो कैसे लिंक किए कि धर्म से अगर लिंक करेंगे तो लोग सफाई कर देंगे, ठीक है। इन हिंदुइज्म आल्सो क्लीननेस इज इंपॉर्टेंट वर्चू एंड भगवद गीता डिस्क्राइब इट एज वन ऑफ द डिवाइन क्वालिटी विच वन मस्ट प्रैक्टिस। संस्कृत वर्ड है क्लीननेस, सौकम, क्लीननेस के लिए सौकम। ऑल्सो रिकॉग्नाइज क्लीननेस एज वन ऑफ द 30 क्वालिटी which one must acquire to obtain the grace of God and identify internal and external cleanness among the 12 regular duties. अब ये संस्कृत में है, meaning service of devas, God, holy man, teacher, अब देखिए teacher भी इसमें आ गए, parents and wise person. अगर आप मूर्ख अपने को नहीं मानते तो clean कीजिए अपने, cleanness, you follow cleanness. इसलिए wise person, ये संस्कृत में उसको meaning है, as also observance of cleanness, uprightness, continence and non-injury, this constitutes austerity pertaining to the body. ठीक है? Hindu also clean their home particularly well in preparing to celebrate Diwali each year as they believe that it brings good luck. कैसे cleanness affect करता है आपके life को? Personal cleanness, it include washing hands, अभी तो washing hands तो कर कर के लोग इतना किए कि सोचना भी नहीं है। बाथिंग रेगुलरली, ब्रशिंग टीथ, हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ाते हैं कि अगर आप
ब्रश नहीं करें प्रॉपरली तो यू आर प्रोन टू डिजीज माउथ के थ्रू. फिंगर नेल्स के बारे में कहा जाता है कि इतनी गंदगी होती है कि टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होता है. तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के हम लोग स्टूडेंट रहे हैं, टीचर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, कल्चर भी करते थे, इतनी गंदगी रहती है नेल्स. सो मोर बैक्टीरिया देन टॉयलेट सीट इज राइट अंडर इट. ठीक है, तो पर्सनल क्लीननेस वेरी इंपॉर्टेंट. होम क्लीननेस, इफ यू डू नॉट क्लीन योर होम यू मे फॉल इन. पहले बताएं कि रिसर्च शोज दैट यू रिलीज स्ट्रेस वाइल क्लीनिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपके लिए है होम टिप. अगर आप बहुत अपने को डिस्ट्रेस में स्ट्रेस में महसूस करें अपने को, तो उसका दो चीजें, एक तो हम मेंशन नहीं करें, ये भी बात के रिसर्च में पढ़े हैं, तो आप घर की सफाई में लग जाएंगे, देखिएगा स्ट्रेस फ्री हो जाएगी. और एक हमने और साइंटिफिक पढ़ा था, ब्रिटिश जर्नल में छपा था, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो कुकिंग करने लगे, किचन में चले जाइए और कुछ बनाइए, देखिएगा एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे. और ये साइंटिफिक मतलब बजाता इंस्ट्रूमेंट लगा के और स्ट्रेस ब्रेन पर और लोगों ने देखा. सो इट शोज दैट रिलीज स्ट्रेस वाइल क्लीनिंग होम. सो इट अफेक्ट योर हेल्थ नॉट ओनली हाइजीनिक, बेसिकली वी आर क्लीनिंग आवर बॉडी बट ऑल्सो वी रिलीज योर स्ट्रेस फ्रॉम योर ब्रेन. सो इट ऑल्सो रिलैक्स मेंटली. सो क्लीनिंग से ये एडिशनल फायदा. एक में फ्री इंस्टीट्यूशन क्लीनिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज सेकेंड होम फॉर स्टूडेंट, सो आवर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मस्ट बी क्लीन हाइजीनिक. जरा सफाई ध्यान देना चाहिए इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, वेन यू वॉश, अब देखिए ये सब याद रखिएगा, सब पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ये सब आता है. वेन डू यू वॉश योर हैंड, कब करेंगे? हैंडलिंग रॉ इनग्रेडियंट, स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग, यूजिंग हैंडकरचीफ और टिश्यू, टचिंग एनी डर्टी ऑब्जेक्ट, अभी के लिए बहुत रिलेवेंट है, टचिंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्लीनिंग और टेकिंग आउट गार्बेज, यूजिंग वॉशरूम, सब में हाथ जरूर धोइए साबुन से. हैंड वॉशिंग, टिपिकल जो मेथड है हैंड वॉशिंग का, साइंटिफिक मेथड है, अभी तो बहुत प्रचार प्रसार हुआ, ये पहले की बात हम बता रहे हैं, पहले के लिए का प्रैक्टिस है, ये कोरोना काल के बाद का नहीं है. वेट हैंड सोप 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है वो एक्चुअली सोप डिटर्जेंट में जो भी केमिकल है उसको डीनेचर करता है. तो जल्दीबाजी नहीं करें, स्क्रब बैक ऑफ योर हैंड, फ्रंट भी करते हैं और बैक भी करते हैं, क्योंकि बैक में भी बैक्टीरिया. रिस्ट बिटवीन फिंगर्स, अंडर फिंगर नेल्स, आर्म्स, ऑलमोस्ट एल्बो तक रिंच की, मतलब साबुन लगाइए और सब रिंच की. नाउ ये हो गया क्लीननेस. अब दूसरा टॉपिक में आ रहे हैं हम लोग, डिजीज एंड इन्फेक्शन. अब दोनों में क्या अंतर, डिजीज एंड इन्फेक्शन. डिजीज कहते हैं जैसे हार्ट डिजीज या पैर किसी का टूट गया, ठीक है, या मान लिया हेडेक हो रहा है आपको, कुछ प्रॉब्लम मान लिया उस तरह का, ठीक है, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल डिसऑर्डर. कॉमन डिजीज एनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन ह्यूमन एनिमल और प्लांट, स्पेशली वन दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम आ रहा है, जैसे सर दर्द कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, और दैट अफेक्ट स्पेसिफिक लोकेशन, नॉट ओनली सिंपली दैट या कोई फिजिकल इंजुरी हुई जैसे पैर टूटने की बात है या कुछ कट गया, जरूरी नहीं कि वहां पर कोई माइक्रोबियल अटैक हुआ है, ठीक है, जैसे हार्ट डिजीज कोई बात, उसको हम लोग डिजीज कहते हैं. एंड वॉट इज इन्फेक्शस डिजीज, वेन दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय सम इन्फेक्शस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ. सो डिजीज कॉज्ड बाय द एंट्रेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ इन टू द बॉडी विच ग्रो एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको कहेंगे इन्फेक्शस. A century ago, infectious disease were the far the leading cause of death. कहा जाता था उस समय, पुरानी फिल्म को देखेंगे आप तो उस समय ट्यूबरक्लोसिस अगर हो गया किसी एक फिल्म में हीरो हीरो तो इसका मतलब डेथ होना ही होना है, देवदास वाली फिल्म उस तरह की, तो उस समय अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो गया तो डेथ, अब तो नहीं होता है, अब तो क्योर है, मेडिसिन है. सो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द अप्रोक्सीमेटली 70% डाइड बिफोर द एज, 25 साल पूरा होने के पहले 70% लोग मर जाते थे. एंड वास्ट मेजोरिटी ऑफ डेथ अकर्ड अमंग द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक आइडिया एंड द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इन द मिड 1800, ये डेथ कंट्रोल कब होना शुरू हुआ, मिड 1800, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज डिक्लाइन प्रोग्रेसिवली, और बाद में जब एंटीबायोटिक वगैरह की डिस्कवरी हुई तो और डिक्लाइन. अब देखते हैं एक अटैक, माइक्रोबियल अटैक से कोरोना कितने डेथ हो गए वर्ल्ड वाइड,
4 लाख प्लस इंडिया में हो, आप समझ रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि बुलेट मान लिया चला, गोली चली, एक आदमी मरा। यहाँ तो है कि अगर कोई बहुत सीरियस इंफेक्शन डिजीज है तो लाखों करोड़ों में डेथ होता है। 30s में एक स्पैनिश फ्लू आया था, उसमें कई करोड़ लोग मर गए, जबकि उस समय पॉपुलेशन बहुत कम था। अभी तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना ज्यादा, ठीक है। तो ये आप देखेंगे एक डेटा है, वर्ल्ड वाइड डेथ ड्यू टू डिजीज, तो सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज है 2.6%, उसका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है 8%, बट उस पर दिखेगा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 6.8, दैट इज ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक। HIV वायरल अटैक है 4.9, लंग्स डिजीज है क्रोनिक, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, माइक्रोबियल अटैक नहीं है। उसका डायरियल डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया काफी ज्यादा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी 2.1 है, बट वो दैट इज नॉट माइक्रोबियल डिजीज। तो ये है, फिर मीजल्स अब तो कंट्रोल हो गया है, ये भी 1.1। तो वर्ल्ड वाइड डेथ ड्यू टू डिजीजेस में देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूटर है माइक्रोबियल डिजीज, मेजर कंट्रीब्यूटर, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो सबसे टॉप में आ जाएगा, हार्ट डिजीज से भी ज्यादा। नाउ कम टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ मेजर हैव अकाउंटेड फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रिडक्शन इन डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू बेटर सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। आज बात करें वैक्सीन, वैक्सीन लगाना मस्ट है, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास नहीं, अगर आप बचना चाहते हैं कोरोना से तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, ठीक है। ए की टू दिस सक्सेस हैज बीन इंक्रीजिंग रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म बाय विच इन्फेक्शियस एजेंट अब कैसे ट्रांसमिट होता है। जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि कोरोना वायरस एरोसोल में आ रहा है, हम लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, हवा में मान लिया कैरी करता है ड्रॉपलेट्स, अगर आप किसी के सामने छींक देते हैं और आपको कोरोना है तो निश्चित सामने वाले को जरूर होता है। तो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, एक टॉपिक है ट्रांसमिशन, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर ट्रांसमिशन का पता हो जाए, बीच वाला हुआ कि एयर में भी ट्रांसमिट हो रहा है बट वो सही नहीं था, तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। HIV के लिए की चीज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म जानेंगे, डिजीज ट्रांसमिशन इज लाइकली टू प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर रिडक्शन इन द प्री मेच्योर डेथ, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जैसे हम लोग इंडिया में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देयर आर नंबर ऑफ स्कीम फॉर क्लासिफाइंग डिजीज ट्रांसमिशन, द वेरियस क्लासिफिकेशन स्कीम आर सिमिलर बट हैव स्लाइट डिफरेंस बिकॉज सम डिजीजेस मे ट्रांसमिटेड बाय मोर देन वन मैकेनिज्म। कुछ डिजीज तो एकदम सिंगल ट्रांसमिशन मोड है, बट कुछ का मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और ये स्लाइड है, देखिए याद रखिएगा इसको, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन है, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इंक्लूडिंग HIV, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू पर्सन टू पर्सन। पेरीनेटल कहते हैं बिफोर बर्थ, ठीक है, तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिटर होता है, मतलब फीटस जब रहता है मदर के साथ उस समय ट्रांसमिशन हो सकता है, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो चाइल्ड में भी हो सकता है। नीडल इंजेक्शन, स्किन टू स्किन इंजेक्शन, स्किन इन्फेक्शन खासकर फंगल डिजीजेज में, एंड ह्यूमन बाइट्स ऑल्सो, अगर मान लिया कोई डिजीज है और किसी दूसरे को बाइट कर लिया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा में कभी 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 बाइटिंग हो, इनडायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, जैसे आपने टच किया और वहाँ या फिर ड्रॉपलेट आप ठीक है वहाँ से मान लिया उसका ड्रॉपलेट एयर ड्रॉपलेट एयर बॉन ड्रॉपलेट, तो ये पर्सन है वहाँ अवेलेबल नहीं है पर किसी उसका ड्रॉपलेट वहाँ पर अवेलेबल है उससे, ठीक है। कॉमन वैक्सीन स्प्रेड है फूड बॉन डिजीजेस, ये वैक्सीन स्प्रेड जो ओन्स करते हैं एनिमल, जैसे कुत्ता डॉग, रेबीज वायरस प्राइमेट से होता है, मंकी वगैरह हेपेटाइटिस, ठीक है। ब्लड बॉर्न एयर बॉर्न जू ओन से हो सकता है, और लास्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेक्टर बॉर्न, जो कि स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह से होता है, मॉस्किटो जैसे मलेरिया, फ्लाइज, फ्लीज, टिक्स वगैरह, ठीक है। आगे और इलाबोरेट करेंगे, तो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन में है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन को रीड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसमिशन है उसमें जैसे HIV के बारे में कहा जाता है कि ये एयर के कॉन्टेक्ट में आने का तुरंत डीनेचर है, कोरोना के केस में ऐसा नहीं, कोरोना घंटों तक रहता है, दिन तक रहता है, ठीक है। इसमें तीन पार्ट में बातें, प्रोटोजोआ में एक एक एग्जांपल है, उतना साइंटिफिक आपको याद नहीं रहेगा, आवाज नहीं आ रही है,
अब बोली आ रही है आवाज? नो सर। आ रही है मेरा? आ रही है सर। आ रही हूँ, प्रॉब्लम है, पॉडिंग में देख लीजिएगा, वो सब आएगा। तो बैक्टीरिया में सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ठीक है, और वायरस में HIV, HPV, जेनिटल हर्पिस, और तीसरा जो सबसे हेपेटाइटिस में वो हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है। डिजीज कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू किसिंग, वेस्टर्न कंट्री में बड़ा कॉमन ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग है, तो बहुत ही कॉमन। अब जैसे कहा जाता है कोरोना वगैरह भी यूरोप वगैरह अमेरिका में इतना क्यों फैला? ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, सोर थ्रोट, कोल्ड, लेंजाइटिस, ये सारी बीमारियां जो है चूंकि वहाँ कॉमन है, हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और उसी तरह से वो एक कॉमन वहाँ की प्रैक्टिस है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इंडिया के लिए उतना खतरा नहीं है। पेरिनेटल मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन इसको कहते हैं, और इसमें भी कुछ एग्जाम्पल है कॉमन, और वो है प्रोटोजोआ में सिफिलिस, बैक्टीरिया, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वायरस में हेपेटाइटिस बी वगैरह वगैरह है, बाद में आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। येलो फीवर इसमें वायरस आर वेरी डेंजरस। वायरस के बारे में ऐसे भी कहते हैं कि सबसे बहादुर अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में है, तो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट तो हमेशा हम पढ़ाते हैं अपने क्लास में, तो वायरस से है। आदमी, ह्यूमन बींग आर मोस्ट वीक ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस यूनिवर्स, सबसे कमजोर, आप समझ लीजिए। HIV के लिए प्रिवेंशन कॉमन है, सब जानते हैं इसको, रीड करने की जरूरत नहीं है, सो दीज आर द कॉमन है। एंड अगर अगर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऐसा नहीं कि HIV से डेथ ही होता है 100%। दीज आर कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस का साइट है, देखिए गंदगी, पानी, और अभी बाढ़ वगैरह बिहार में बहुत आ रहा है, ये कॉमन है। सीवरेज वाटर, ऑल वाटर मिक्स टूगेदर, और उसी में आप चल फिर रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज करने का एक कर सकते हैं तरीका है। व्हाट इज वाटर बॉर्न डिजीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी स्लाइड देख, दैट कैन बी डायरेक्टली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, इज वाटर बॉर्न। पैथोजेनिक माइक्रोब्स जैसे जॉन्डिस वगैरह जो होता है, हेपेटाइटिस, दैट इज वाटर बॉर्न। कॉलरा बहुत कॉमन है। ह्यूमन कॉन्टेक्ट वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट कंटेमिनेटेड वाटर, फूड भी इसमें आता है, मे रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्शन सच एज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट। कहीं भी सीवेज से कनेक्शन, इन्फेक्टेड पर्सन के सीवेज का कनेक्शन है, सीवरेज सिस्टम पाइपलाइन में कहीं ब्रेक है, तो इस तरह से अगर है तो कॉमन है। क्लाइमेट चेंज की बात हमने पहले बताई कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, रेनफॉल, फ्लडिंग, सी लेवल, जैसे फ्लडिंग की बात अभी, सी लेवल राइज, हायर टेम्परेचर, कहा जाता है कि खूब ह्यूमिडिटी अगर हो और टेम्परेचर हो तो बहुत तेजी से फैलता है। ड्रॉट ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर रिलेटेड इलनेस में नाम हम नहीं कर रहे हैं, सब ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसमें एक अलगी भी है दैट प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन, और इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही इसको इस कंटेमिनेटेड वाटर, ग्रीन वाटर था, ताला उला पर जो रहता है, और उसमें जैसे ही आदमी खाया उसका ब्रेन ब्लॉक कर गया। न्यूरॉन का मतलब था ब्रेन, ब्रेन सेल डैमेज कर दिया और इमीडिएट डेथ। केमिकल कंटेमिनेंट भी आर्सेनिक का नाम सुने होंगे, दैट इज ऑल्सो मैन मेड पोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो वेरी हैजार्डस। फीकल ओरल ट्रांसमिशन में हम रीड नहीं कर रहे हैं, जितने भी सोर्स हैं इस तरह से, जैसे कॉमन स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, कंटेमिनेटेड फीकल मैटर अगर है उसमें तो कॉमन है। मोबाइल के बारे में कहा जाता है, मोबाइल आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ, यहाँ भी एक कहीं पढ़े हम कि आपके टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया मोबाइल में, वेरी डर्टी, लोग कल्चर करके देखते हैं मोबाइल, और हम लोग मोबाइल कॉमनली हाथ पे रखते हैं, गंदा मोबाइल छीन रहे, तो मोबाइल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे प्रिवेंट करेंगे? प्रैक्टिस सेफ फूड हैंडलिंग, क्लीन हैंड, कूल वाटर नहीं पीना है, और बाकी डिफरेंट मेथड्स जो भी हैं वो सब मेंशन है, आप शेयर करेंगे इसको, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कॉलरा के बारे में हमने बताया कि इंडिया का देखिए मैप में पूरा इट इज वेरी कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
रिवलस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है कि जहाँ टेम्परेचर है वहाँ कॉलरा इन्फेक्शन ज्यादा है। जो भाई रिपोर्ट है, सिम्टम माइल्ड सिम्टम बहुत कॉमन, हल्का फुल्का हुआ कुछ नहीं। सीवियर सिम्टम 5% में डायरिया, वोमिटिंग, लेग क्रैम्पिंग होगी, पॉसिबल आउटकम है डिहाइड्रेशन, इसे बहुत होता है, वोमिटिंग बहुत होती है, लूज मोशन होता है, सॉफ्ट, और अगर ज्यादा कंटिन्यू हुआ तो डेथ तक हो सकता है। ये एक बड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी इंडिया में नहीं है, नेगलेरिया फॉलरी। इसके बाद आ जाता है, यूनिक है थोड़ा, इसलिए बताना शुरू चाहते थे, कल हो सकता इंडिया में आ जाए, ब्रेन ईटिंग अमीबा, इट इज ए प्रोटोजोआ और ये दिमाग को खा जाता है। अब दिमाग ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में ये भी होता है, सॉइल में मिलता है, ट्रांसमिटेड व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर इंटर इन द बॉडी, खासकर स्विमिंग पूल वगैरह में अगर एक कंटेमिनेटेड पर्सन अगर गया तो उसके बाद फैलने का चांस। सिम्टम है इसमें हेडेक, फीवर, नॉजिया, वोमिटिंग, स्टिफनेस, कंफ्यूजन होगा, दिमाग इधर उधर घूमना शुरू होगा, अटेंशन लॉस ऑफ बैलेंस, सीजर, हेलुसिनेशन, लगेगा कि नशा में है, एंड पॉसिबल आउटकम है डेथ, ठीक है। प्रिवेंशन क्या क्या है वाटर बॉन्ड का, क्लोरिनेटेड वाटर, चेंज हाइजीन बिहेवियर, हैंड वॉशिंग वगैरह, प्रॉपर यूज ऑफ लैटरिन बाय एडल्ट एंड चिल्ड्रन, एंड गुड फूड हाइजीन ऑल्सो, पैकेज फूड अगर यूज करते हैं तो फ्लाइज वगैरह, मक्खी जो है वो कंटेमिनेटेड कहीं गार्बेज पर बैठेगी और फूड पर बैठेगी तो बड़ा इजीली ट्रांसमिट कर देता है, क्योंकि एडहियर हो जाता है उसमें बैक्टीरिया। वेक्टर बॉन्ड नेक्स्ट है वेक्टर बॉन्ड डिजीज, सब जानते हैं इसमें, जैसे कि मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू, बहुत हर एक बार अटैक होता है, देखिएगा सितंबर में पटना में भी डेंगू आने लगेगा, नहीं दिल्ली में पहले ज्यादा था, पटना में भी होने लगा, सो डेंगू ऑल्सो। एंड कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज, वार्म टेम्परेचर क्यों सितंबर में ज्यादा होता है, सितंबर में टेम्परेचर भी वार्म होता है प्लस ह्यूमिडिटी भी, बरसात भी थोड़ा होता है तो बारिश भी रहती है, तो इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, एंड दिस इज द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द ब्रीडिंग ऑफ दीज मॉस्किटोज। मलेरिया अगेन ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो, वाइड फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो, 219 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड, रिजल्टिंग 6,60,000 डेथ, इट इज एन इसमें भी देखिएगा पूरा हिंदुस्तान रेट से है मलेरिया ट्रांसमिशन पूरा हिंदुस्तान में करीब। मलेरिया सिम्टम माइल्ड सिम्टम, फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर सिम्टम एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, सीवियर एनीमिया, डेथ होता है इसमें बहुत, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा एंड डेथ, जो अभी कोरोना में भी हो रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। डेंगू के बारे में हम कह रहे थे, देखिए मक्खी देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसका नाम है टाइगर फीवर, टाइगर मॉस्किटो, एशियन टाइगर मॉस्किटो, क्योंकि इसमें भी टाइगर जैसा पैचेज है बॉडी पर। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है उसमें, आप लोगों को एग्जामिनेशन में इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रिवेलेंस है मोर देन 100 मिलियन केसेज ऑफ डेंगू वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, ठीक है, ज्यादा ही होंगे। डेंगू का सिम्टम ज्वाइंट पेन बहुत कॉमन है, रैश निकलता है बॉडी पर और पेन होता है, ठीक होने के बाद भी एकदम ज्वाइंट पेन करें, सीवियर हेडेक, सीवियर पेन बिहाइंड आई मसल एंड बोन पेन, माइल्ड ब्लीडिंग भी हो जाती है, ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज सीरियस डिजीज, सीरियस सिम्टम, ठीक है। पॉसिबल आउटकम इफ नॉट ट्रीटेड दिस में लीड टू फेलियर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड शॉक एंड इवन डेथ। बहुत सारे एक बहुत टॉप फिल्म के डायरेक्टर थे, यस उनका डेथ हो गया, सोचिए फिल्म उनको सारी फैसिलिटी हो पर डेंगू से डेथ। ब्यूबोनिक प्लेग है, एक क्लिया से होता है, स्मॉल इंसेक्ट, बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड फ्ली, प्रिवेलेंस मोर देन 1,000, बहुत ज्यादा नहीं है बट कल ये भी पैंडेमिक रूप में आ जाए इसे ध्यान देना है सब। सिम्टम ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसका, देखिए निमोनिया प्लेग इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, निमोनिक प्लेग रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, ये भी पॉसिबल आउटकम है। लाइमी डिजीज एक है, इट इज डियर टिक, डियर टिक जो डियर कहते हैं ठीक है, डियर डियर वाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड डियर टिक, एरिया एशिया का है, नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड यूएस में भी ये ज्यादा रिपोर्ट है लाइमी, ठीक है। बुल आई रैश, बुल आंख जो है एकदम मतलब बड़ा बड़ा हो जाता है, फैटिक, चिल, फीवर, हेडेक, मसल, देखिए हर एक डिजीज का कुछ कुछ सिम्टम वगैरह जरूर याद रखिए, ठीक है। अर्थराइटिस हो जाता है, सीवियर ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग में दिक्कत होगी। प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए सबसे बढ़िया है कि
जो उसका कैरियर उसको खत्म कीजिए, गंदगी कम फैलाइए, मच्छर कम कीजिए, ठीक है। पता कीजिए कि सबसे ज्यादा एक्सपोजर किस टाइम होता है, उस समय ज्यादा क्लीनिंग कीजिए, हमेशा लॉन्ग स्लीप का पहनिए, कोशिश कीजिए फुल पैंट, लॉन्ग स्लीप शर्ट, ठीक है, बेड नेट, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए और गुड नाइट वगैरह जो हम लोग लगाते हैं उसको लगाते ही। अब आइए स्किन टू स्किन ट्रांसमिशन। सब डिजीज एजेंट कैन बी स्प्रेड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे कि आपका पैर थीनिया पेडिस, इसको कहते हैं पैर फटना, दैट इज ए फंगल डिजीज। तो आप दूसरे का स्लीपर पहन लिए और वो आदमी का में फंगल इन्फेक्शन था उसके पैर, तो वो स्लीपर में उसका एडियर हो गया फंगाई फंजाई, और कोई दूसरा आदमी पहन लिया हेल्दी पर्सन, तो हो सकता है उसका भी पैर फटना शुरू हो। तो बड़ा कॉमन है ये फंगल डिजीज, इसको एथलीट फूट भी कहते हैं। पहले एथलीट में जो पार्टिसिपेट करते थे नंगे पैर, उनका पैर फट जाता था और उसी के जैसा सिम्टम आता, कॉमन हिंदी में उसको पैर फटना कहते हैं, बट दिस इज ए डिजीज कॉज बाय फंगस, ठीक है। सो कॉमन बैकिल स्प्रेड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फूड वाटर ड्रग ब्लड प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। नीडल इंजेक्शन, इसको ऑक्यूपेशनल शार्प एक्सपोजर कर नहीं होना चाहिए, बट बाय मिस्टेक अगर मान लिया इन्फेक्टेड नीडल से किसी को दे दिया गया दूसरे को, तो बहुत ही कॉमन ये इन्फेक्शन का रूट, और ये एड्स के केस में देखा गया, हेपेटाइटिस बी और सी के केस में देखा, जिसमें कि ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होता है। इनडायरेक्ट पर्सन टू उसको रीड नहीं कर रहे हैं, ट्रांसमिशन बाय फोमाइट्स, हमने बताया जैसे डोर नॉब एलिवेटर बटन, आप लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैनिटाइजर यूज कीजिए, फोन, ठीक है, ये सब कीबोर्ड ट्वाई वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन में मीडियम साइज ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा ड्रॉपलेट होगा, कोरोना के लिए ऐसा रिसर्च किया है लोगों ने, जो हॉस्पिटल वगैरह में एयर ट्रांसमिशन हो रहा है कोरोना, इसलिए वहाँ हाई अमाउंट ऑफ कोरोना वायरस, वहाँ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पेशेंट्स, तो वहाँ एयर होगा, बट नॉर्मली क्या होता है ड्रॉपलेट जितना छोटा होगा उतना ज्यादा दूर तक जाए, जैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग 4 फीट 6 फीट 8 फीट, तो ये वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ड्रॉपलेट साइज, जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा स्पेस ऊपर तक तैरेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे कि हमने बताया, स्नीजिंग कफ और सिंगिंग, ट्यूबरक्लोसिस सिंगर है उसे खूब गाना सुन रहा है, एकदम आसानी से स्प्रेड कर, ठीक है। जूओन्स पहले बताया, एनिमल पेट डॉग्स वगैरह, पेट एनिमल अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उससे हो सकता है, रेबीज सबसे कॉमन है, डॉग बाइट से होता है, बैट से भी होता है, ये कुछ ऐसी इस तरह के हैं, और बैट का भी बहुत ही हम लोग कल्प्रिट करके मान रहे हैं कोरोना वायरस को, तो ये जूओन्स में आता है। जूओन्स में डिजीज में एक बबोनी प्लेग है, आर्सिनिया पेस्टिस, रैट से होता है, सुने होंगे चूहा से, ठीक है। लाइमी डिजीज, डियर माइस टू टिक, माइस डियर, एक्चुअली डियर टिक उसका इसलिए नाम पड़ा, एक डियर माइस होता है उससे टिक में आता है और देन ह्यूमन, तो ये एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं चेंज होते रहते हैं। अब जैसे वेस्ट नाइल वायरस है फ्रॉम बर्ड टू मॉस्किटो, मॉस्किटो से फिर ह्यूमन, ओरिजिनल रिजर्वायर इसका है मॉस्किटो, बर्ड, बर्ड से आया मॉस्किटो में और मॉस्किटो में ह्यूमन, उसी तरह से कोरोना के बारे में कहा जाता है कि ओरिजिनल रिजर्वायर इज बैट, और फिर बैट से खाते थे लोग वहां चाइना उना में, उस आदमी में आया और आदमी से फिर अभी जो हाल है देखिए। इबोला बड़ा खतरनाक वायरस है, सुने होंगे अफ्रीकन कंट्री में रिपोर्टेड है, ये भी फूड बैट्स से आया और आने के बाद इबोला वायरस बहुत तेजी से फैला था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कंट्रोल में है, बट वेरी डेंजरस डिजीज। इबोला का ट्रांसमिशन बाद में शेयर करेगा तो देखिएगा, देखिए फ्रूट बैट एक नीचे में लेफ्ट साइड में डायग्राम है, फ्रूट बैट गोरिल्ला में आया, चिंपैंजी में आया, स्रीव में आया, और इस तरह से डिफरेंट में आते हुए फिर आदमी में गया, और आदमी के बाद फिर हम लोग तो देख ही रहे हैं साइंस सिम्टम इसका क्या है, फीवर, स्रोर थ्रोट, सीवियर हेडेक, मसल पेन, इंटेंस वीकनेस, वोमिटिंग, डायरिया, लीवर एंड किडनी फेलियर हो जाता है, जैसे कोरोना में भी रिपोर्ट करता है, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सो वेरी सीरियस डिजीज इबोला। एनसी टूरिज्म, आप देखिए ये यही हम बात करने जा रहे हैं, नॉर्मली रिजाइड इन एनिमल, और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है डिस्टेम्पर
वायरस जिस टेम्पल को रेड से लिखा हुआ, एंड वेन इट मूव, जब बहुआ के बहुत दिन तक इसमें रहे, अब जरा चला जाए दूसरे होस्ट में घूमने के लिए, हम लोग कभी कभी चला जाए पिक देखने, वायरस भी सोचा होगा कि चले आदमी में देखे क्या होता है, और वहां जब आया तो क्या किया वो हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल अभी सामने, हो सकता है इसके पहले जब हम क्लास लेते थे तो उसका एग्जाम्पल नहीं दे पाते, बट ये क्या हो सकता है जस्ट इमेजिन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ कोर्न, ठीक है। और जब ह्यूमन में आया तो उसका रूप बदला हुआ था, और हो सकता था जहाँ ओरिजिनल प्लेस में था वहां कोई बीमारी नहीं हुई, बट जैसे ह्यूमन में आया वहां बीमारी हो रही थी। बस टॉपिक फिनिश्ड। अब थोड़ा सा हम 5 मिनट और बात करेंगे, और वो है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं और लोग डिस्कस किए कि नहीं, बाकी सब्जेक्ट जो आप पढ़े होंगे जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में होंगे या इकोनॉमिक्स में होंगे, तो उसमें क्या होता है कि दो पार्ट होता है, एक CIE होता है और एक होता है ESE, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो CIE वहां होता है 30 मार्क्स का, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है 70 मार्क्स का। बट अच्छा स्कोर हो तो हम लोग इसको जब डिस्ट्रीब्यूट बना रहे थे इसको हम लोग, तो हम लोग क्या किए कि CIE 50 और एंड सेमेस्टर 50, मतलब एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े इसलिए 50-50 मार्क, 70-30 नहीं है। अब 50 में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका 70 में जो वहाँ, और 30 का जो 70 का तो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेती है, 30 में जो आपके डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पैटर्न होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ 50 में जो पैटर्न रखे हैं CIE का, बहुत लिबरल है, बहुत आसानी से 30 नंबर, देखिए आपका असाइनमेंट और डिस्चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं क्लीनिंग सफाई, एक रिपोर्ट बनाए, कुछ भी मॉल ने कुछ भी काम कीजिए उसमें कुछ फोटोग्राफ लीजिए, एक रिपोर्ट बनाए 15 नंबर, असाइनमेंट कुछ भी एक टॉपिक पर असाइनमेंट बना लीजिए जो भी टॉपिक सिलेबस का है, असाइनमेंट 15 नंबर, सेमिनार कुछ 10 नंबर। तो अब देखें 30 नंबर और 40 नंबर तो ऐसे ही है, 10 नंबर का केवल एक रिटन टेस्ट होगा, बस 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ कुछ, टोटल 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स हो गया, ESE हो गया 50 मार्क्स, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करें दोनों में, लेकिन 45-45% नंबर लगे, अब मैंने 45% दोनों में सेपरेटली, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख ले हम लोग, जैसे क्वेश्चन आ सकता है वेक्टर बॉन्ड, व्हाट इज वेक्टर बॉन्ड, ठीक है। अब कुछ वेक्टर बॉन्ड डिजीज क्या है, उसका नाम यहाँ जैसे लिखा हुआ लेस्मानिया, लाइमी, मलेरिया वगैरह वगैरह, ठीक है। छोटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन एक, नेम 3 क्लाइमेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सर्वाइवल रेट एंड रेंज ऑफ वेक्टर, हम बताएं अभी 3, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ठीक है। विच वेक्टर बॉर्न डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एशियन टाइगर मॉस्किटो, मलेरिया, डेंगू फीवर, वेस्ट नाइल वायरस। विच वेक्टर बॉर्न डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एशियन टाइगर मॉस्किटो, डेंगू फीवर, जवाब अभी बताएं, डेंगू फीवर, एशियन टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। डिस्क्राइब 5 वेज दैट स्प्रेड द वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस दैट स्प्रेड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंट, ये भी बताएं अभी, देखिए अवॉइड एरिया विद डिजीज आउटब्रेक, बी अवेयर ऑफ पिक एक्सपोजर टाइम एंड प्लेस, वियर लॉन्ग स्लीव्स एंड पैंट, चेक फॉर टिक्स, बेड नेट्स, इंसेक्टिसाइड एंड स्पेशियल रिपेलेंट्स। विच वाटर बॉर्न डिजीज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ईटिंग ऑफ यू, आइए बताएं कौन है, बताइए जवाब दीजिए कोई, एकदम जवाब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 5 वेज दैट द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड वाटर चेंज, हाइजीन बिहेवियर, हैंड वॉशिंग वगैरह वगैरह, बस लिस्टिंग करना है, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन बाई सिम्पिंग, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आजकल कल अभी बहुत हम लोग हाथ हैंड सैनिटाइजर यूज कर, बहुत कभी कभी लोग देते हैं हाथ, स्किन खराब हो, तो आजकल एक कंसेप्ट है ग्रीन क्लीनिंग, ग्रीन क्लीनिंग, क्लीनिंग करने के लिए ऐसा तो नहीं कि हाथ साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए एसिड इस्तेमाल करते हैं, हाथ साफ के लिए, तो एक डिपेंड करता है कि आप कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो एक कंसेप्ट है ग्रीन क्लीनिंग, क्लीनिंग टू, तो हम लोग ग्रीन क्लीनिंग मतलब कि एनवायरमेंट भी क्लीनिंग जो हम लोग करते हैं इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ऐसा ही केमिकल यूज कीजिए जो कि हार्श केमिकल नहीं, सो क्लीनिंग टू प्रोटेक्ट हेल्थ विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को हार्म नहीं हो लेकिन क्लीन भी कर। थैंक यू वेरी मच।
अगर कुछ पूछना हो तो पूछ। सर ये पीडीएफ शेयर कर देंगे सर, हम लोगों को भी मिल जाता तो अच्छा रहता। देखिए पूरी हम कोशिश करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग ये हो रही है और रिकॉर्डिंग में आप पूरे लेक्चर को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग है और ये रिकॉर्ड करके पूरे ग्रुप पे डाला जा रहा है। पता नहीं आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, हम पता करते हैं, पूछते हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्लास को। और नहीं हाँ, सर हाँ यूट्यूब पे मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है। यस सर, सिलेबस बस थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। सिलेबस शेयर कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। ठीक ठीक है सर, एग्जाम पैटर्न पर फिर देंगे। देखिए एग्जाम पैटर्न में है, देखिए जैसे नॉर्मल में आप दे रहे होंगे 30 और 70, TIA 30 और 70 का एंड सेमेस्टर एग्जाम, यही है आपका पैटर्न। मतलब नॉर्मल जो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट, तो वहाँ 30 मार्क्स का TIA। बट यहाँ पर TIA है, यहाँ पर TIA है 50 का और एंड सेमेस्टर 50। ठीक है, अब 50 में जो डिस्ट्रीब्यूशन वो है, जैसे वहां 70 में जो 30 का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 7.5-7 नंबर का दो एग्जामिनेशन है, पता नहीं आपके डिपार्टमेंट क्या होता है, एक सेमिनार है, एक है जो कि आपके अटेंडेंस पर है 5 मिनट। ठीक है, तो वहां दूसरा पैटर्न है, यहाँ पैटर्न या अटेंडेंस वगैरह पर नहीं है, यहाँ पर मिड सेमेस्टर जो टेस्ट होगा 10 नंबर का बस, सेमिनार क्विज जैसे भी आपका डिपार्टमेंट अरेंज करे 10 नंबर का, असाइनमेंट जो कि लिख के देना है आपको, जमा करना है डिपार्टमेंट में 15 नंबर का, और एक है डिस्चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी सर्विसेज पे आता है। अभी जैसे कॉलेज खुला रहता तो थोड़ा डिपार्टमेंट की सफाई वफाई कर दिए, कुछ इधर उधर तो हो गया, एक रिपोर्ट बना दिए बस कि हमने ये किया वो किया, पूरे ग्रुप में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की वो उस रिपोर्ट पर 15 नंबर, तो 15 नंबर, 15 नंबर का एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है डिपार्टमेंट, दैट्स ऑल। सर जो 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट है वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ही प्रेफरेबली लेते हैं हम, 10 क्वेश्चन दिए अपना हो गया, जिस टाइप से आप अभी क्वेश्चन दिखाए उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हाँ 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 हाँ, बट वो डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगी। ओके सर, 50 नंबर है ना, 50 नंबर में अच्छा खासा नंबर आ जाता है, क्योंकि आपको डिसर्टेशन और ये दोनों जो है असाइनमेंट दोनों 30 नंबर हो गया ना, सेमिनार वगैरह भी कुछ इस तरह से क्विज हुआ तो 10 नंबर है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उसमें भी नंबर आ ही जाता है, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन कोई पूछता नहीं। ठीक है, ये स्टूडेंट रिव्यू से बनाया गया है। और सर स्किल डेवलपमेंट का जो सेकेंड वो क्या है? आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। आप सर आप बोल रहे थे ना कि सेकेंड सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट समथिंग है जो आपको आगे भी बेनिफिशियल रहेगा, तो वो हाँ तो उस सिलेबस में क्या होता है? देखिए सेकेंड सेमेस्टर में स्किल इनहेंसिंग कोर्स जो है उसमें एक बास्केट, बास्केट बास्केट का मतलब हुआ कि उसमें कई, इसमें तो कंपल, देखिए अंतर समझिए दोनों, इसका नाम है AECC, AECC का मतलब हुआ एबिलिटी इनहेंसिंग कंपलसरी कोर्स, ये दो ही पढ़ना जो कि ऑल फैकल्टी को सेम कोर्स पढ़ना। जो सेकेंड सेमेस्टर में उसका नाम था पहले AEC, कंफ्यूज करने लगे थे, उसका नाम था AEC मतलब एबिलिटी इनहेंसिंग कोर्स, और ACC मतलब स्किल इनहेंसिंग कोर्स, दोनों एक ही थी। ये एक कोर्स बास्केट है, 8-10 कोर्स है, उसमें से कोई एक चुन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, मशरूम कल्टीवेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉ, या आर्ट्स में और भी बहुत सारे चीज, तो उसमें आप ले सकते हैं वेब डिजाइनिंग। सर हम लोग को ऑप्शन मिलेगा उसमें, ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको जो मिलना है चुन, या आपका डिपार्टमेंट ऑप्शन देगा कि आप इसको कर, क्योंकि वो डिपार्टमेंट क्लास कर बना इस तरह का कंबाइंड क्लास। फिर थर्ड सेमेस्टर में जो होगा वो कंबाइंड क्लास, वो भी कंपलसरी,
और डिसिप्लिन स्पेसिफिक तो एकदम अलग चीज है। वो है कि हिस्ट्री का स्टूडेंट ज्योग्राफी का एक टॉप एक पेपर ले, ज्योग्राफी का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर ले, दैट इज डीएस, और क्लियर हो जाएगा। अभी फोर्थ सेमेस्टर का क्यों सोच रहे हैं, अभी ट्राई टू कंसंट्रेट ओनली ऑन एईसीसी वन, दैट्स ठीक है। ओके सर, थैंक यू। Thank you.